आज के दिन दोस्तों किसी भी देश के लिए अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अपनी मेडिकल केयर को बहुत ही ज़्यादा एडवांस रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हाल ही में दोस्तों हम सभी ने वो कमाल के बेहद ही ज़्यादा दुखते ही मंजर तो देखे ही थे जब पूरी दुनिया में कोरोना ने पैर पसारे थे और दोस्तों लोगों को बेड भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे हॉस्पिटल्स में। ऐसा दरअसल उस समय बहुत ज़्यादा होता है जब किसी देश में डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। आज के दिन दोस्तों तो दुनिया की बहुत ज़्यादा पावरफुल इकॉनमीज हैं इंडिया और चाइना, और इन दोनों ही देशों के लिए ये बात बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि दोनों ही देशों के पास कमाल के हॉस्पिटल्स हों, डॉक्टर्स की कमी ना हो और इनका मेडिकल सिस्टम बेहद ही ज़्यादा एडवांस हो। हालांकि दोनों ही देशों का मेडिकल केयर वैसे पूरी दुनिया में बड़ा एडवांस तो माना जाता है, लेकिन आज ना दोस्तों तकरीबन 88 टाइप्स की रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद हम कई तरह के ऐसे क्राइटेरियाज के तौर पर इंडिया के मेडिकल केयर को चाइना के मेडिकल केयर के साथ पूरा कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस देश का मेडिकल सिस्टम ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। तो वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल रहने ही वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात करने वाले हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर की। किसी भी देश में दोस्तों अच्छे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे डॉक्टर्स तभी हो पाएंगे जब वहाँ पर ना दोस्तों गवर्नमेंट बहुत बड़ा बजट रखेगी अपने मेडिकल के लिए। यही वजह है कि आज के दिन चाइना ये देश दोस्तों हर साल अपनी GDP का तकरीबन 4.5% हिस्सा सिर्फ मेडिकल के कामों पर खर्च करता हुआ नज़र आता है, और कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी दावा है कि आने वाले समय में चाइना अपने इस बजट को बढ़ाकर 5.4% तक करने वाला है। यही वजह है कि आज के दिन चाइना में डॉक्टर्स की भी कोई खास कमी नहीं है और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स की भी कोई आपको कमी नज़र आने नहीं वाली। दूसरी तरफ अगर अपने देश इंडिया की बात करें तो एक समय हुआ करता था जब इंडिया दोस्तों अपनी GDP का 1% से भी कम हिस्सा हॉस्पिटल्स और मेडिकल पर खर्च करता था। कोरोना के समय वैसे इंडिया ने अपनी टोटल GDP का तकरीबन 5% हिस्सा मेडिकल पर खर्च किया, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से परमानेंट नहीं है। आज के दिन गवर्नमेंट ज़्यादातर समय 2.5% हिस्सा ही GDP का मेडिकल पर खर्च करती है। हालांकि टारगेट ये है हमारी गवर्नमेंट का कि 2028 का साल आने से पहले हम 4% हिस्सा या 5% हिस्सा अपनी GDP का पूरे तरीके से मेडिकल पर खर्च करें। दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक बेहद ही ज़्यादा मेजर क्राइटेरिया बन जाता है, वो है यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जिस देश में दोस्तों मेडिकल केयर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा लंबे समय तक आपको ज़िंदा रहते हुए भी नज़र आ जाएंगे, जैसा कि आज के दिन आपको कई यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। इंडिया में आज के दिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार तेज़ी से बढ़ी तो है, लेकिन आज भी ये दुनिया के मुकाबले काफ़ी पीछे है। इंडिया में आज के दिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तकरीबन 71 साल, यानी एक इंसान इंडिया में 71 साल तक आपको ज़िंदा रहता हुआ नज़र आएगा, लेकिन चाइना का यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 77 साल को भी अब रीच कर चुका है। यानी चाइना में रहने वाला एक इंसान इंडियंस के मुकाबले तकरीबन 6 साल तक लंबा जीता हुआ नज़र आ जाएगा। इसका पूरा श्रेय दोस्तों चाइना के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को तो जाते ही है, साथ ही वहाँ के अवेयर लोगों को भी, जो कि दोस्तों किसी भी बीमारी का चेकअप काफ़ी ज़्यादा जल्दी करवाते हुए नज़र आते हैं। अगले अगर यहाँ बहुत बड़े क्राइटेरिया की बात करें तो वो है दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स। किसी भी देश में अगर डॉक्टर्स की कमी हो जाए तो लोगों को जल्दी इलाज नहीं मिल पाता, और कई बार तो दोस्तों कई बीमारियों में आपको इलाज की बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत होती है। सबसे पहले अपने देश की बात करें तो अपने देश में आज के दिन 13 लाख से भी ज़्यादा आपको प्रोफेशनल डॉक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरे तरीके से सर्टिफाइड हैं। हालाँकि इसके अलावा भी इंडिया में आपको बहुत सारे डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 13 लाख का ये आंकड़ा तो पूरी तरीके से सर्टिफाइड डॉक्टर्स का है। वहीं दूसरी तरफ चाइना, इस देश में भी आज के दिन आपको तकरीबन 38 लाख डॉक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट्स का ये दावा है कि 2024 का साल आने से पहले पहले चाइना में डॉक्टर्स की यही गिनती 41 लाख को भी क्रॉस करने वाली है। इंडिया और चाइना, इन दोनों ही देशों की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक है, और यही वजह है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के मामले में भी ये दोनों देश आपको नंबर 1 और नंबर 2 पर रहते हुए नज़र आ जाएंगे। यही वजह है कि इन दोनों ही देशों में दोस्तों लोगों को ज़्यादा वेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा दोस्तों उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता सर्जरीज के लिए और इलाज के लिए भी। अगले अगर यहाँ मेजर पॉइंट की बात करें तो वो है नंबर ऑफ सर्जन्स। किसी भी देश के मेडिकल केयर को सर्जन्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आज के दिन मेडिकल इतना एडवांस हो चुका है कि जिन बीमारियों का इलाज मेडिसिन से नहीं होता उनका दोस्तों ऑपरेशन यानी उनका सर्जरी कर दिया जाता है। सबसे पहले चाइना की बात करें तो पूरे देश में आपको
तकरीबन 98,000 सर्जन्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज़ के मुकाबले ये सर्जन्स आपको कम तो लग सकते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि चाइना में आज के दिन भी ना बहुत सारे लोग दोस्तों सर्जरी करवाना उतना ज़्यादा भी पसंद नहीं करते, और अधिकतम सर्जन की यहाँ कमाई होती है दोस्तों सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी के चलते। वहीं दूसरी तरफ अपने देश में आज के दिन आपको जो नंबर ऑफ़ सर्जन्स देखने को मिलेंगे वो हैं दोस्तों तकरीबन 31,560। हालाँकि इंडिया में लगातार सर्जन्स की गिनती जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद जल्दी ही यह आंकड़ा 50,000 को टच कर जाएगा। अगले अगर दोस्तों मेजर पॉइंट की बात करें तो वो है यहाँ पर हेल्थ केयर फाइनेंस के बारे में। इस मेजर क्राइटेरिया से दोस्तों असल में हमें ये बात पता चलेगी कि किस देश की गवर्नमेंट का टोटल बजट पर पर्सन के ऊपर कितना ज़्यादा बैठता है। जैसे चाइना में दोस्तों जो भी बजट जितना भी खर्चा गवर्नमेंट करती है उस हिसाब से दोस्तों पर पर्सन के लिए ही गवर्नमेंट तकरीबन 426 $ का खर्चा कर देती है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। लेकिन इंडिया में दोस्तों थोड़ी इकॉनमी हमारी चाइना से कम होने के चलते आज के दिन भी मेडिकल के लिए गवर्नमेंट थोड़ा खर्चा तो कम करती है, जो कि पर पर्सन के हिसाब से बनता है $85। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी वैसे वैसे मेडिकल और भी एडवांस होने वाला है, और हॉस्पिटल्स की गिनती भी इंडिया में और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे चल कर बढ़ने ही वाली है। अगले बेहद ही अगर मेजर क्राइटेरिया की बात करें तो है दोस्तों डॉक्टर्स रेशियो की। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी देश में 1,000 की पॉपुलेशन के बीच ही आखिर आपको कितने ज़्यादा डॉक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि चाइना में दोस्तों यहाँ डॉक्टर्स की रेशियो निकली है 1.8, यानी तकरीबन 1,000 लोगों के पीछे आपको वहाँ पर 2 के आसपास डॉक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, हालाँकि 2 से थोड़े कम हैं। वहीं दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया की डॉक्टर्स की रेशो निकली है 0.77, यानी यहाँ पर दोस्तों 1,000 की पॉपुलेशन के पीछे आपको एक डॉक्टर भी नज़र नहीं आने वाला। अगले अगर दोस्तों मेजर पॉइंट की बात करें तो वो है वाइड मेडिकल नेटवर्क। इसमें दोस्तों असल में हमें ये पता चलता है कि किसी देश में बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही सिर्फ आपको मेडिकल सुविधा अच्छी मिलेगी, या फिर छोटे टाउन्स और विलेजेस में भी डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। असल में दोस्तों बहुत सारी वेस्टर्न नेशंस की तरह ही ना चाइना में भी आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो हॉस्पिटल्स की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत एडवांस लेवल के डॉक्टर्स हैं। लेकिन छोटे टाउन्स छोटे विलेजेस में आज भी ना चाइना में आपको डॉक्टर्स की काफ़ी कमी देखने को मिलने वाली है, लेकिन इंडिया में ना ये बात बिल्कुल उल्टी पड़ती है। इंडिया में लगभग हर छोटे टाउन और हर छोटे विलेज में भी कम से कम आपको एक नियरेस्ट हॉस्पिटल या दोस्तों कोई ना कोई डॉक्टर देखने को मिल ही जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अगर आप टाउन्स में रहते हैं विलेजेस में रहते हैं तो शायद इंडिया में आपको ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देखने को मिल सकती है चाइना के मुकाबले। हालांकि जब बात बड़ी सिटीज़ की आती है वहाँ ना चाइना पूरा डोमिनेट करता हुआ भी नज़र आ जाएगा। अगले अगर दोस्तों मेजर पॉइंट की बात करें तो वो है हेल्थ केयर इंडेक्स। हेल्थ केयर इंडेक्स दोस्तों असल में ना ये काफ़ी ज़रा वैसे बायस्ड भी माना जाता है वेस्टर्न नेशंस की तरफ से, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का दावा है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंट किया जाता है, यहाँ पर मेडिकल केयर को काउंट किया जाता है, कितने ज़्यादा हाई क्वालिटी के आपके पास डॉक्टर्स हैं नर्सिस हैं ये सब कुछ काउंट करके डेटा तैयार किया जाता है, जिसमें चाइना का रैंक पूरे वर्ल्ड में नंबर 47 का है तो अपने इंडिया का है नंबर 120 का। लेकिन अंदर की सच बात ये भी है कि जो वेस्टर्न नेशंस आपको इस इंडेक्स में टॉप 10 या टॉप 20 पर राज करते हुए नजर आएंगे वहाँ तो एक सर्जरी के लिए ही आपको 6 से 8 मंथ का वेटिंग देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिस इंडिया को इस इंडेक्स में 120 नंबर पर दिखाया गया है वहाँ तो दोस्तों आपको ज़्यादा वेटिंग भी देखने को नहीं मिलती। तो इस तरीके से कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये इंडेक्स ना पूरी तरीके से बायस्ड है। वैसे अब दोस्तों आप ही बताइए कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। रहे वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है, चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।